स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई पी एस तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरा टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, इस टॉपिक का नाम है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपन इसी का चौथा पार्ट देख रहे हैं। अपन ने न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट तक पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल लिए थे, उसी के आगे अपन ने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन ऑफ NMR। अब अपन उसके आगे का टॉपिक उसी में देख रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन दोनों के बीच जो एनर्जी रिलेशन होता है कैसे अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए कि क्या लिया, एक प्रोटॉन या H1 लेते हैं। प्रोटॉन H1 लेते हैं तो देखते हैं, आप समझ गए होंगे कि H1 मतलब काम होता है, यानी कि I इक्वल टू अपन क्या लिए होंगे 1/2, इसके 2 स्पिन प्राप्त होंगे -1/2 एंड +1/2 स्पिन प्राप्त होते हैं। इट्स ओके। अब अपन जब यहाँ पे एनर्जी बात कर रहे हैं, जो प्लॉट ड्रा किए हैं कि आपका एनर्जी हो गया और यहाँ पे बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इट्स ओके। यहाँ पे जब अपन लेंगे तो ये आपके दो बॉन्ड थे -1/2 +1/2, ये दोनों आपके एक हायर एनर्जी स्टेट में, एक लोअर एनर्जी स्टेट में। इसको अपन बोलेंगे हायर एनर्जी स्टेट एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी स्टेट क्लॉकवाइज। इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा आपका डेल्टा ई होगा। और इसका जो फार्मूला होता है डेल्टा ई प्रोपोर्शनल बी नॉट इक्वल के बी नॉट इक्वल टू एच में, यानी कि आपका जो डेल्टा ई है दोनों हायर और लोअर एनर्जी के बीच डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इट्स ओके। अब हम देखते हैं कि कोई फार्मूला होगा, आगे स्टेट होगा डेल्टा ई इक्वल टू एम बी नॉट होता है। यहाँ पे आप क्लियर है कि ये रिप्रेजेंटेड बाय फंक्शन, ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को एक फलन को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा ई इक्वल टू एफ जायो पायरेट रेशियो बी नॉट, यानी कि आपका ये गामा के इसको जायो पायरेट रेशियो, जायो चूंकि बात बोलते हैं इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा ई इक्वल टू एफ जायो पायरेट रेशियो बी नॉट, ये जो पूरा टर्म होता है ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट फॉर इस पीरियड। और जो गामा है, गामा का साधा जो हमारा है कांस्टेंट फॉर इस पीरियड, देखने में आया कि ये कांस्टेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अपन इसको आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ई इक्वल टू एफ इन टू जायरो पायरेट रेशियो बी नॉट। यह आपका फंक्शन है, ये आपका चूंकि अनुपात जायरो के लिए है, बी नॉट आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और डेल्टा ई आपका क्या है एनर्जी डिफरेंस है। इट्स ओके। अब अपन आगे देखेंगे, जब अपन आगे देखते हैं तो डेल्टा ई आपका क्या हो रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू गामा इन टू एच मान टू आई एन टू आई इन टू बी नॉट। देखिए आपका जो गामा था जायरो मैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट था, तो आपका यहाँ पे इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एच मान टू आई एन एफ गामा के साथ अपने स्टाइल को रख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आगे इसको रखेंगे एफ इक्वल टू एच मान टू आई एन, देख सकते हैं अपन कि हियर एफ इक्वल टू एच अपॉन टू पाई, प्लस जो फंक्शन है फंक्शन एफ का मान कितना हो गया आपका एच अपॉन टू पाई हो गया। हमने क्या किया है इस इक्वेशन में जाता है, जैसे कि अपन
अगर देखें तो आपका ये लड्डू है, अगर इसको कहा जाए जो इसको रोटेशन होना चाहिए अपने अक्ष में काम करके थोड़ा सा झुक करके इस दिशा में हो जाएगा। हमारे लिए सबसे अच्छे क्या हमारे लाइफ में एक्सिस पर रोटेशन में मान सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का हमारे लिए पृथ्वी। अर्थ क्या है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और आपको पता है कि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना मतलब घूमना करती है, घूमती है, रोटेट करती है, लेकिन वह अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री 22.5 क्या है झुकी हुई है, जिसी कारण से क्या होता है कि अर्थ पर डे एंड नाइट की एक्शन क्रियाएं भी होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अपने पास जितने भी मैग्नेटिज्म है वो सारे क्या होते हैं कि अपने अक्ष पर सीधे ना होते, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने अक्ष पर क्या होते हैं झुके हुए होते हैं। ठीक है, तो अपन अगर इसको देखते हैं, इसी के माध्यम से अगर देखते हैं स्पिन की बात करते हैं कि आप एक स्पिन है, इस स्पिन की बात करते हैं, इस स्पिन को अपन 60 मेगाहर्ट्ज़ की एक फ्रिक्वेंसी आवृत्ति देते हैं। कितना देते हैं? 60 मेगाहर्ट्ज़ की एक फ्रिक्वेंसी देते हैं। अपन इसको इतनी फ्रिक्वेंसी देंगे, फ्रिक्वेंसी देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे अपने दिखा है बी नॉट। अब आप बी नॉट को समझ रहे होंगे, हमने पहले भी बताया है कि बी नॉट आपका क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है। देखेंगे कि यहाँ पे फाइव जो है बी नॉट है, यहाँ पे देख के चलेंगे कि अपन जो आपका फाइव के बीच के डिफरेंस दर्शा रहा है ओमेगा आपका जो दर्शा रहा है तो प्रोसेसनल फ्रिक्वेंसी को दर्शा रहा है। ओमेगा किसको दर्शा रहा है? प्रोसेसनल फ्रिक्वेंसी को दर्शा रहा है। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति आप समझते होंगे कि कोई भी एक तार है, जैसे कि आप बांस है या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक अक्ष के पलट है, अपन एक सेकंड के जितने चक्कर उसके अंदर लगाते हैं, क्या कहते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी में आवृत्ति कहते हैं। तो इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। और इसी पर इसके बीच जो डिफरेंस स्पेस फाइव दर्शाता है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ओनली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड ईएमआर पावर, ईएमआर मतलब आप लोग पढ़ा चुके हैं कि आपका ईएमआर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब अपन जब आगे इसमें देखते हैं, जब आगे देखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि आपका एक रेडिएशन लेते हैं, आपका रेडिएशन है। इस रेडिएशन में अपन ने क्या माना है, इसका फार्मूला होता है E=hν होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? E=hν होता है। इसका फार्मूला E=hν होगा तो यहाँ से जो एनर्जी फॉरवर्ड होगी, जो हमारी एनर्जी है तो स्पिन में अगर यहाँ से आगे एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है, और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है इस एनर्जी के ट्रांसफर होने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? रेजोनेंस।
खिलाड़ी है अगर निकालते हैं इसके लिए आपको पहले ठीक है मतलब आप प्लेयर टेम्परेचर के लिए फॉलो टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होता है आप जानते हैं कि रूम का टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और सेल्सियस में होता है 27 डिग्री सेल्सियस होता है इसके लिए पहले निकालेंगे न्यूक्लियर अपर लिमिट लोअर एनर्जी इक्वल टू 0.99991 अब देखिए इसको पहले निकालेंगे करेंगे तो आपको हो जाएगा इक्वल टू 10,10,9 तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी अपर न्यूक्लियर एनर्जी है आपकी लोअर न्यूक्लियर एनर्जी है लोअर न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो रही है आपकी जो आपकी लोअर न्यूक्लियर एनर्जी है यह 9 इंक्रीजेज हो रही है इसी प्रकार से अपन और जैसे भी हमने जो वैल्यू निकाला है जो आपकी वैल्यू आई है इसके लिए आई है कि वैल्यू आई 60 मेगा हर्ट्ज की इसके लिए आई है 60 मेगा हर्ट्ज के लिए आई है इसी प्रकार से अपन 600 मेगा हर्ट्ज आदि फ्रीक्वेंसी देकर के इसके लिए अलग अलग वैल्यू अपन निकाल सकते हैं अब अपन इसी टॉपिक में अगला पढ़ेंगे इसके टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आपको एक दो समझ में आया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट शाम के समय 3 से 5 के बीच चैट में चैट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो